वीवीपैट रखा है, ये मैंने वीवीपैट रखा है। अब कोई दो वोटर को, कोई दो वोटर को मैं वोट करा के दिखाऊंगा। पहले आप देखिए इसमें माइक माइक तरीके से आपने यहाँ वोट करना है। जल्दी मर जाऊंगा। वोट कर लिए ये बनाना का बटन दबाइए दबाइए। कैमरा नहीं झगड़ा, केले का बटन दबाइए। तो देखिए क्या छपा आपको, वोट हो गया पूरा। देखिए दबाने के बाद जो यहाँ पर इसमें खेल कितना बड़ा है, अब मैं बताता हूँ। पहला वोटर अगर बनाना का आया तो ये पर्ची उसने छापी, लाइट बंद कर ली, वोटर चला गया। अगला वोटर आया तो उसको यही पर्ची उसने लाइट चला के दिखाई, लाइट बंद कर ली, ये चला गया। तीसरा फिर बनाना का आया, वही पर्ची जो पहले को दिखाई दूसरे को दिखाई इसको भी दिखा दी लाइट चालू करके और उसको रवाना कर दिया। अगला वोटर फिर बनाना का आया, यही पर्ची चौथे आदमी को दिखाई। 2011 तक भारत में वीवीपैट नहीं था, केवल ईवीएम था। ईवीएम में एक बैलेट यूनिट होती है जिसपे हम वोट करते हैं और वहां से वोट काउंटिंग यूनिट में जाता है। उस ईवीएम में वोटों की चोरी हो सकती है, ये जब प्रूफ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था चुनाव आयोग को कि आपका ईवीएम है उसमें वोटों की हेरा फेरी हो सकती है, इसे आप ज्यादा वेरीफाइएबल बनाइए। तो 2011 के अंदर ये वीवीपैट चुनाव आयोग ने जोड़ा है। वीवीपैट करता क्या है, वोटर जिस सिंबल को वोट देगा वो वीवीपैट में उस सिंबल की पर्ची देखता है, वो उस सिंबल की उसमें पर्ची देखता है। तो ये इसे वेरीफाइएबल कैसे कहते हैं, आपने जिस सिंबल को वोट दिया वीवीपैट में आपने उस सिंबल की छपी हुई पर्ची देखी तो ये वेरीफाई हो गया कि आपने जहां वोट दिया वीवीपैट में वही पर्ची देखी तो आपका वोट चोरी नहीं हो रहा है। ये आर्गुमेंट के साथ में वीवीपैट भारत में 2012 में लाया गया। जब वीवीपैट आया था तो वीवीपैट का जो ग्लास है वो व्हाइट था, ये जो ग्लास है ये इस तरीके से व्हाइट ग्लास होता था, ये जो लेफ्ट में है, इधर इधर इधर, ये जो लेफ्ट में है, लेफ्ट में जो इमेज है वीवीपैट का ग्लास व्हाइट होता था 2012 में। और 2017 जून में इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट के सभी ग्लास को, व्हाइट जो ग्लास था पारदर्शी, उसे काले कांच से बदल दिया। यानी 2017 के बाद से भारत में जो वीवीपैट इस्तेमाल हो रहे हैं उनका जो कांच है वो व्हाइट नहीं है, काला है। तो कांच एक और बदलाव क्या हुआ, पहले वीवीपैट में लाइट जो है वो 15 सेकंड के लिए जलती थी, उसे घटाकर 7 सेकंड तक किया गया। ये जो दो बदलाव हुए वीवीपैट में, पहला व्हाइट कांच को ब्लैक किया गया और लाइट जलने की अवधि को 15 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड किया गया। ये दो बदलाव होने के बाद वीवीपैट में कागज के वोटों की चोरी कैसे हो सकती है वो यहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, मैं भीलवाड़ा से आया हूँ। इसके अंदर वोट चोरी करने का जो प्रोग्राम है वो राहुल चिमन भाई मेहता अहमदाबाद के सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उन्होंने। अब मैं आपको इसमें डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ कि कागज के वोटों की चोरी कैसे होती है। जब आप वोट करने जाते हैं तो वोट देते हैं, हाँ, जब आप वहां पे वोट देने जाते हैं सिंबल पे वोट करते हैं
आप उसकी पर्ची देखते हैं और आ जाते हैं, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ उसमें वोटों की चोरी कैसे होती है। तो यह मैंने वीवीपैट रखा है, ये मैंने वीवीपैट रखा है। अब कोई दो वोटर को, कोई दो वोटर को मैं वोट करा के दिखाऊंगा। पहले आप देखिए इसमें इधर इसमें कोई छपी हुई पर्ची पहले से नहीं है। जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर राजेंद्रपाल साहब है, राजेंद्रपाल साहब मेहमत साहब देखिए इसमें कोई छपी हुई पर्ची पहले से नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जो वीवीपैट यूज होते हैं उसे खोलने का पावर किसी को नहीं है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाना इसलिए बोल के बता रहा हूँ। तो पहले से इसमें कोई पर्ची नहीं है। अब हम इसमें वोटिंग प्रोसीजर शुरू करेंगे। इसके अंदर ये जो बैलेट यूनिट देख रहे हैं, हमने तीन सिंबल रखे हैं। एक सिंबल है एप्पल, एक सिंबल है बनाना और एक है वाटरमेलन। ये जो आप जो देख रहे हैं, अरे यार मोबाइल स्लो स्लो भाई कंधा पर अंदर सबरे वो डाल लो यार जब टाइम आ। अरे आप लगा दो सारे बटन। एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, ये तीन सिंपल हमने इसके अंदर रखे हैं। इस पे हम वोट करके देखेंगे। अब हमें दो वोटर चाहिए जो इसके ऊपर वोट करेंगे। जैसे कि वो वोटर जैसे वो वोट देने आते हैं, आप में से कोई भी। अरे वकील साहब, हमें ऊपर से स्टेज से नहीं नीचे से चाहिए दो। अरे भाई देखिए आप कैसे वोट। अरे नीचे उतर जाओ, नीचे आप कैसे वोट देने जाते हैं, अपना वोट देते हैं। वोट देने के बाद में इतना सिंबल जो पर्ची अपने, अरे डाल दो जल्दी, डालो सिंबल देखते हैं और चले जाते हैं। उसी तरीके से आपने यहाँ वोट करना है। डालो जल्दी, मर जाऊंगा। आप बनाना को वोट करिए। ये बनाना का बटन दबाइए, दबाइए। दबाओ, अरे कैमरा नहीं चकराओ। अरे भाई हटाओगे कैमरा, घुसा दे अंदर। अभी लाइट बंद हो गया, 7 सेकंड नहीं चलता। आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, हमने किसे वोट दिया, केले को। अब हमें एक वोट और चाहिए, आप भी दीजिए केले को वोट दीजिए। केले को वोट दीजिए, ठीक है, हो गया। अब देखिए अपना सिंबल देखिए, केला, केला या केला। आप देखिए इसमें केला दिख रहा है, देखिए अंदर का माइक दिखाई दे रहा है भाई, इसका कैमरा दिख रहा है। 7 सेकंड में बंद हो जाता है। हमने दो वोट दिए हैं, भाई रुक जा, हम भी कर रहे हैं। हमने दो वोट दिए, दोनों कौन सा सिंबल देखा, केला, दोनों ने केला देखा, दोनों ने केला दबाया। तो इसमें से दो वोट निकलना चाहिए बनाना। लेकिन यह देखिए सिंपल निकल रहा है, इधर दिखा के भी निकल रहा है, सब तरफ दिखा दे, पर्ची निकाल के दिखाओ। दो वोट, दो ग्रुप, इधर इधर सर, इधर 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 एक बनाना। इधर एक केला और एक सेब।
मैं फिर से ये आपको करके बताता हूँ। देखिए हम फिर से करते हैं, एप्पल दबाइए, एप्पल दबाओ, एप्पल क्या मैं देखना आपको क्या सुनवाई हम दबाता हूँ, एप्पल एप्पल दबाओ, एप्पल अरे एप्पल दबाओ, ये कैसे ये हमने दबाया एप्पल, तो देखिए क्या छपा आपको, एप्पल एप्पल का वोट हो गया पूरा। देखिए दबाने के बाद ठीक है ना, तो देखिए एप्पल का वोट हुआ, ये एप्पल का वोट हुआ। देखिए इसमें जो प्रोग्राम डाला है उसके अंदर एप्पल जीतेगा, एप्पल जीतेगा ऐसा इसमें हमने प्रोग्राम डाला है। तो बनाना का जो वोट दिया तो उसने बनाना का वोट चोरी कर लिया, अब लेकिन एप्पल का वोट ये चोरी नहीं करेगा। अब वाटरमेलन पे देखेंगे, हमने वाटरमेलन पे वोट दिया, देखिए पर्ची किसका आया, वाटर तरबूज यार दिख रहा है, पीछे कर ले यार, नहीं दिख रहा इधर, ये देखिए भाई दिख रहा है तरबूज, भाई क्या कर रहा है, सब आगे कर दे रहा है यार, अंधे बताना है। अब लाइट बंद हो गया, 7 सेकंड रहता है, अब फिर से हम तरबूज को वोट देंगे, ये देखिए हमने फिर से तरबूज को वोट दिया, इधर 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 इधर, ये देखिए तरबूज, अरे मोबाइल मोबाइल तो देखिए हमने यहाँ 2 वोट दिए हैं, दोनों तरबूज को दिए हैं, तो 2 वोट आना चाहिए तरबूज का पर्ची, तो ये देखिए इसमें से वापिस से क्या हुआ, इसने वापिस तरबूज का वोट खाली कर लिया, इधर 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 हमने 5 वोट दिया, 1 एप्पल को दिया, लेकिन एप्पल को मिल गया 3 वोट, एप्पल जीत गया। बनाना और तरबूज दोनों को दो दो लोगों ने वोट दिया, लेकिन बनाना और तरबूज हार गया। बैलेट पेपर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईवीएम के अंदर हर जिले में जाने चाहिए, हर जिले में। अब मैं आपको ये चोरी कैसे होती है काले कांच की वजह से वो बताऊंगा। ये देखिए अब मैं इसको जैसे पुराना वीवीपैट था 2017 का, मैं वैसा बना देता हूँ। अब मैंने ये वीवीपैट वैसा बना दिया है जैसा 2017 में था, मतलब इसके अंदर अब कांच सफेद है, कांच सफेद है। अब मैं ये जादू नहीं कर पाऊंगा, आप उसे पकड़ लेंगे। पहले ये कैसे हो रहा था आपको नहीं पता लगा, देखो इसमें जरूरी बात क्या है, ये कैसे होता है, एक वोटर आता है, वोट देता है, सिंबल देखता है, चला जाता है, दूसरा आता है, सिंबल देखता है, चला जाता है। तो ऐसे हमने जिसपे जो सिंबल देखा उनको कभी पता नहीं पड़ा चोरी हुई है, वो तो मैंने गेट खोल के बताया तब आपको पता लगा चोरी हुई है। अगर मैं गेट खोल के ना बताऊं तो जिन्होंने वोट दिया वो समझ उनको पता लगेगा क्या कि वोट की चोरी हुई है, उन्हें कभी पता नहीं लगेगा वोट की चोरी हुई है। तो वो चोरी क्यों होती है काले कांच से, अब मैं सफेद कांच कर चुका हूं, अब ये चोरी नहीं हो भाई, अब मत घुसा दियो कैमरा। अब देखिए मैं फिर से बनाना को वोट दे रहा हूं, ये देखिए इधर 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 ये बनाना है, बनाना का आ गया, 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 बनाना, आ गया, आ गया, आ गया, देख रहे हैं, अरे यार ये क्या है, अब देखिए आपको अभी बनाना दिख रहा है, आपको बनाना दिख रहा है, हाँ दिख रहा, पहले 7 सेकंड बाद दिख रहा था, हाँ बिल्कुल, आपको पहले 7 सेकंड बाद दिख रहा था क्या लाइट बंद होने के बाद, नहीं, अब दिख रहा है ना पहला पर। अब इस वजह से क्या हो रहा है,
अब वोट का चोरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? के बनाना का वोट, जिस व्यक्ति ने बनाना का वोट दिया, इस प्रिंटर ने उसका डाटा नहीं है, उसको रख लिया, लेकिन वो पर्ची आपको दिखेगी क्यों नहीं? क्योंकि कांच अब देखिए, आपको पर्ची दिख रही है क्या? नहीं। जब नया वोटर आया तो उसे भी ये पर्ची नहीं दिख रही थी, और जब उसने अगला वोटर आया और उसने बनाना दबाया तो प्रोग्राम ने वही पर्ची लाइट चलाकर वापस दिखा दी। ये वही पर्ची है, उसने दूसरे वोटर को दिखा दिया है। वोट नहीं गिरा, वही पर्ची दूसरे को दिखा दी और लाइट बंद कर दी। अब आपको दिख रहा है वापिस कुछ? अब इतने लाइट बंद करके चुपचाप एप्पल छापा है, ये एप्पल छापी है। इसने एप्पल छापा, आपको पता लगा किसी को? किसी को पता नहीं लगा, एप्पल छापी है। अब अगर मैं ये कांच हटा, अब मैं कांच वाइट कर देता हूँ, अब देखना आप ये चोरी को पकड़ लेंगे कैसे हो रही है। अब मैं बनाना को वोट देता हूँ। सर इसे खोल ले, करो ना, इसे खोल दो ना। नहीं नहीं, वो कांच का ही है, खोलता है दिखेगा नहीं ना। अब दिख रहा है, दिख रहा है। देखिए खेल तो कांच का है, कांच का तो खेल है, वही तो धोखा चल रहा है। इधर 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 देखिए, बनाना का वोट हो गया, सबको दिख रहा है बनाना। आप मुझे जो बताएंगे नाम और बताना कौन सा है सर, इधर को दिखाइए। हाँ अभी दिखा रहे, ये देखिए बनाना दिख गया। अब लगातार दिख रहा है। अब देखना, अब मैं बनाना को वोट दूंगा और यही पर्ची वापिस से दिखेगा आपको। मैंने बनाना को वोट दिया है, अब देखिए वही पर्ची दिख रहा है लाइट चला के। यही पर्ची लाइट दिखा के दिखा दिया, और अब ये चुपचाप एप्पल छापेगा। पर अब दिखेगा आपको एप्पल छापेगा तो। इधर 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 छप गया, छप गया, छप गया, एप्पल छप गया। पर ये कांच सफेद है, खोल कर करा दीजिए। ये कांच सफेद है इसलिए आपको दिखा, अगर कांच काला है तो आपको नहीं दिखेगा। तो देखो इसमें खेल कितना बड़ा है, अब मैं बताता हूँ। पहला वोटर अगर बनाना का आया तो ये पर्ची उसने छापी, लाइट बंद कर ली, वोटर चला गया। अगला वोटर आया तो उसको यही पर्ची उसने लाइट चला के दिखाई, लाइट बंद कर ली, ये चला गया। तीसरा फिर बनाना का आया, वही पर्ची जो पहले को दिखाई दूसरे को दिखाई, इसको भी दिखा दी लाइट चालू करके और उसको रवाना कर दिया। अगला वोटर फिर बनाना का आया, यही पर्ची चौथे आदमी को दिखाई, चौथे आदमी को भी लाइट जला के दिखाई, रवाना कर दिया, और चार एप्पल एक साथ छाप के गिरा दिए लाइट बंद करके। पांच लोगों ने, अगर पांच लोगों ने बनाना को वोट दिया है, अगर पांच लोगों ने बनाना को वोट दिया लगातार, तो एप्पल चार एक से जीतेगा। जितना ज्यादा वोट यहाँ आएगा बनाना पे, उतनी ज्यादा चोरी होके उधर जाता जाएगा। एक मिनट और, अब इसका समाधान है ये कांच को व्हाइट करना। ये कांच अगर व्हाइट हो जाए और अंदर लाइट लगातार जलती रहे, ये दो चीज होने से ये कानून, ये वीवीपैट जो है उसमें वोटों की चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि तब पड़ी हुई पर्ची वोटर को पहले से दिखाई देगी और वो वही पर्ची उसे लाइट जलाकर नहीं दिखा पाएगी। हेलो, ठीक है जी, धन्यवाद। आगे खत्म हो गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर कर दिया कि वोट सिर्फ वीवीपैट का वोट होता है और कोई वोट ही नहीं होता, यह भारत देश का कानून है, तो किसी नटवरलाल ने 2014 के बाद, आप सब लोग अंदाजा लगा ले कौन नटवरलाल था वो, ये 2014 और 15 के बाद से स्कीम हुई है काले शीशे की। यह नटवरलाल वाला काम, यह अपराध 2014 और 15 के बाद जो लोग शुरू कर सकते हैं ईवीएम द्वारा वोट करने से, वीवीपैट द्वारा वोट करने से, ये एक तरीका हमने आपको दिखाया कैसी प्लानिंग करके चोरी की। ऐसे हजारों तरीके और हैं।
इसीलिए किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे इलेक्शन होगा तो सिर्फ पेपर बैलेट से होगा। ये फ्रॉड हम नहीं होने देंगे। ये इलेक्शन कमीशन है जिसने काला शीशा लगाने की साजिश की। कौन सा इलेक्शन कमीशन था? वो अपराधी है और उसकी अपराधी जो प्रोटेक्शन है ना धारा 324 में आर्टिकल 324 में वो अब खत्म हो चुकी है। तैयार हो जाएंगे इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने ये काला शीशा लगाया था फ्रॉड करने के लिए, वो तैयार हो जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पहले अभी 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 आप देख लीजिए, ऐसे हम बेवकूफ नहीं है। एक हम बचपन से नारा लगाते आए हर इलेक्शन में, मोहर लगेगी किसी भी जगह, वो नाम नहीं लेना है, मोहर लगेगी की जगह बटन दबाओ। बेवकूफ है जो बटन दबाना चाहते हैं। हम तो मोहर ही लगाएंगे, मोहर लगाएंगे और पेपर बैलेट पे मोहर लगाएंगे। जो आदमी मना करता है हमारी पुराने नारे को वो देशद्रोही है, वो आतंकवादी है, वो भारत का संविधान खत्म करके पार्लियामेंट खत्म करना चाहता है। यहां मोहर लगेगी बटन नहीं दबेगा, ध्यान से सुन ले। अब मैं प्रैक्टिकल बातों पे आता हूं। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक छोटे से मेंबर की हैसियत से भानू जी, हम सब जितने भी लॉयर्स हैं, सबसे पहले मैं उनसे आह्वान कर रहा हूं, ये जिम्मेदारी इस आंदोलन की ढाल बनने की हम लोगों की है। और उस तरफ से हमारे ही देश के ये जो ये खाकी वाले लोग हैं, आधे मन से या पूरे मन से हम पे हमला करते हैं, हमारी वकीलों की जिम्मेदारी है किसी भी आंदोलन में, किसी भी आंदोलन में जो ईवीएम के खिलाफ होगा, किसी भी आंदोलन में जो देश बचाने के हक में होगा, वकील आपकी ढाल बन के खड़े होंगे। और ये पुलिस तंत्र जो चल रहा है वो हम नहीं होने देंगे किसी हालत में नहीं। तो बिल्कुल निडर होके बाहर आओ, पुलिस से मत डरो, पुलिस आपकी नौकर है। कल जिस तरीके से हमारा अपहरण किया गया था, हम लोगों ने सिर्फ एक बार माफ किया है, पुलिस वाले ध्यान से सुन ले ये बात, एक बार माफ किया है, वो भी भानु जी के कहने से। और बीसी कपिल साहब ने सबसे मनवाया, मैं इन लोगों से नाराज हूं, लड़ भी रहा हूं इनसे, लेकिन ये बड़े हृदय के लोग हैं और मैं इनकी इतनी इज्जत करता हूं कि मैं इनके आगे सिर झुकाने पे मजबूर हूं। एक ही बार पुलिस वाले सुन ले, कल जो हमारा अपहरण किया था ना, FIR में दर्ज करा था मैंने, जामा मस्जिद वाली FIR करानी है जैसे मुझे अपडेट किया था ना, तो ध्यान से सुन ले। नौकरों का काम है संविधान के हिसाब से काम करना। ये जो आपने बैरियर लगा रखे ना, भानु जी ने जब ये गारंटी दे दी, ये किस लिए बैरियर लगाए यहां पे? अगली बार से बैरियर ना मिले हमें, ध्यान से सुन ले ये बात। ये गैर संविधानिक गैर कानूनी काम है जो ये बैरियर लगा रखे हैं, हम इन बैरियरों से नहीं डरते हैं। हम संविधान के रक्षक हैं, हम इन बैरियर की वजह से यहां नहीं रुके हुए, ध्यान से सुन ले। अमित शाह साहब भी और बाकी सब भी लोग, हम इसलिए रुके हैं क्योंकि हम देश में हम नहीं चाहते कानून व्यवस्था टूटे। इसका यह मतलब नहीं है नौकर हमारे सर पर चढ़ के नाचेंगे, हम देश के मालिक हैं, देश की जनता हैं। पुलिस को हमारी रक्षा करनी है, हमारा अपहरण नहीं करना है, हम पे डंडे नहीं चलाने हैं तब जब तक हम संविधान के रास्ते पे चल के पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहली चीज मैं ये बता रहा हूं, और ये सबसे बड़ी जरूरत है इस आंदोलन को आगे ले जाने की। हम वकील लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि पुलिस आपको तंग नहीं करेगी पूरे देश में आंदोलन करने के लिए, हम जिम्मेदारी लेते हैं। दूसरी बात, जो भी आंदोलन हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स का आंदोलन, और डीसी कपिल साहब ने अभी अच्छा एक 8 मिनट बाकी है आज के लिए, ये कानूनी व्यवस्था गलत है सिर्फ आज के लिए, वरना हम आपसे बैठ के डिबेट कर सकते हैं। डीपी साहब, डीसीपी साहब, आप हमें कानून में व्यवस्था भी दिखा सकते हैं 5 बजे खत्म करने की, लेकिन हम इज्जत करते हैं भानु जी की, हम इज्जत करते हैं देश के संविधान की। आज हमने अपना जबान दे रखा है, मैं 1 मिनट में भी बात खत्म करूंगा। ये आंदोलन चलेगा पेपर बैलेट के लिए चलेगा। दूसरी बात, एक 22 जनवरी की बात मैं कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं, आधे मिनट में। 22 जनवरी को बहुत बड़ा आह्वान हुआ है, सभी लोग अपने धार्मिक स्थलों पे जाएंगे। इस धार्मिक स्थलों पे जाने के वक्त हम लोग सब ऊपर वाले से ये प्रार्थना करें, जिस जिसको जो भी मानता है, कि हम लोग ईवीएम हटा के पेपर बैलेट से युद्ध, ये बैलेट से हम इलेक्शन कराएं, ऐसी सद्बुद्धि
हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री के मन में ऐसी सद्बुद्धि हमारे इलेक्शन कमीशन के मन में डाले, ऐसी सद्बुद्धि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मन में डाले। ये हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति 22 जनवरी को ये अपने अपने आराध्य, अपने अपने रिस्पेक्टेड, जिसको भी वो ऊपर वाला मानता है, ये प्रार्थना भी करे। और जो लोग इस प्रार्थना को नहीं सुनते, उनको इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में भी सजा दे ऊपर वाला। ऐसी हम गुजारिश और रिक्वेस्ट करते हैं, सब लोग ये प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने पे बहुत कुछ है, बाद में कभी कहेंगे, अभी तो ये शुरुआत है, आगे और लड़ाई है। मैं भानु जी को ये देता हूँ मंच, क्योंकि हमें 5 बजे खत्म करना है और अब 4-5 मिनट ही बचे। पेपर से मैदान में आ जाओ और फिर जीत के प्रधानमंत्री बनकर दिखाओ तो जानेंगे आपको। लेकिन वो चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है, और ये हिम्मत इसलिए भी नहीं है कि कल हम लोग केवल कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए जा रहे थे, हम लोगों को 20 कदम चलने दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। और हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि 50 ईवीएम हमें दे दो, 50 बैलेट यूनिट, 50 कंट्रोलिंग यूनिट और 50 वीवीपैट। हम आपको पूरे देश में 50 जगह लाइव पूरे प्रेस के सामने, पूरे मीडिया के सामने, देश के लोगों के सामने हैक करके दिखाएंगे और किस तरह से प्रोग्रामिंग होती है खुलेआम दिखाएंगे। लेकिन मोदी जी भी डर गए, इलेक्शन कमीशन भी डर गया। यह इलेक्शन कमीशन सरकार के कब्जे में है, हमें जाने नहीं दिया और 20 कदम जाके हमें डिटेन कर लिया। और उसके बाद हमें पकड़कर मंदिर बार खाने ले गए, फिर उसके बाद में हमें गरम गरम चाय पिलाई, 2 घंटे बाद छोड़ दिया। हमने हमारे बहुत महत्वपूर्ण साथी भाई महमूद पराचा को बोलने से पहले डॉक्टर एसएन गौतम साहब उनको बोलो, उससे पहले मैं 2 चीज अनाउंस करना चाहता हूं जो मैं भूल गया। राजस्थान में जो हमारी कमेटी रहेगी, अभी उस कमेटी को राजस्थान में पूरी तरह से डील करने के लिए जो हमारी कमेटी के साथी रहेंगे पूरे राजस्थान प्रदेश के, वो है एडवोकेट पूरन चंद भंडारी। पूरन चंद भंडारी साहब रहेंगे, सहमत है आप लोग? इसके साथ साथ पता नहीं बिल्कुल ही, जो महाराष्ट्र में हमारे जो साथी हैं, जो हमारे साथ बहुत पहले से रहे हैं, अभी आए हमारे बीच में, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी रहेगी अशोक बहादुर साहब के साथ, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी। और बाकी सारी टीमें बाद में हम अनाउंस करेंगे। और मैं चाहता हूँ डॉक्टर एसएन गौतम साहब आए, और मेरा उनसे निवेदन है, आप बड़े हैं जानते हैं, मतलब थोड़ा समय में अपनी बात कहें, क्योंकि 5 बजे हमें हर सूरत में ये बंद करना है। हमारे भाई महमूद पराचा जी को बोलना है और उसके बाद एक दो कोई साथ